नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जियो भारत V2 इसकी फुल अनबॉक्सिंग मैं चैनल पर ऑलरेडी कर चुका हूं, इसके प्लान भी आपको बताए हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है ये सब आपको वीडियो में पहले से बताया है, लेकिन इस वीडियो में हम इसका ड्रॉप टेस्ट और इसको डिसेंबल करेंगे, पूरा ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या पार्ट्स दिए गए हैं, कैसा इसका मदरबोर्ड है, यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस स्मार्टफोन को जनता ने बिल्कुल नापसंद कर दिया है, कई कमियां यहाँ पर जियो ने छोड़ दी है। जिस प्रकार से इसकी हाइप बनाई गई थी, न्यूज चैनलों में दिखाया गया था इसके सारे फीचर्स को, उससे लग रहा था कि एक बहुत बढ़िया 4G फीचर्स फोन हमें मिलने वाला है, लेकिन इसमें आपको यूट्यूब नहीं मिलता है, ऊपर से आपको सिर्फ जियो सिनेमा और जियो सावन के अलावा कोई भी एप्लीकेशन फोन में मौजूद नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों एक ही सिम लगता है इस पर, सिर्फ और सिर्फ जियो का, और मेन मोटिव यहाँ पर जियो का यही है कि हमारा ही सिम फोन पर लगे। आपके जो पुराने कीपैड फोन है, जो 2G फोन है, उन पर अदर कंपनी के सिम लगे होंगे, जियो ने आपको ऑफर दिया है कि उसको पोर्ट कीजिए और हमारे इस पर लगाइए। वैसे दोस्तों इस फोन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तरीके से तो हमें लग रहा है बहुत बुरा फोन है, लेकिन 999 रुपए में एक 4G फोन मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है, और आप इसमें जियो सावन में काफी सारे गाने का आनंद ले सकते हैं, हर भाषा के गाने आपको मिल जाएंगे। हालांकि जो जियो सिनेमा दिया गया है इतनी से तो डिस्प्ले है, और उसके अंदर जो डिस्प्ले में वीडियो चल रही है उसमें पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर वीडियो में चल क्या रहा है, तो वीडियो इतना अच्छा क्वालिटी का आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि गाना सुनने के लिए बढ़िया है मोबाइल का डिजाइन, आप देख सकते हैं एक छोटा सा मुट्ठी के अंदर आ जाता है ये फोन, इतनी छोटी डिस्प्ले आपको दी गई है, LED टॉर्च काफी बड़ी आपको मिल जाती है और काफी ब्राइट जलती है। बाकी 0.3 मेगापिक्सल का एक PGA टाइप का कैमरा दिया गया है, कैमरा क्लैरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाकी कीपैड इसमें प्लास्टिक के मिलते हैं, और इसमें आपको एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है, यानी कि आप इसमें 128GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। 1000mAh की आपको इसमें बैटरी दी गई है, जैसे नोकिया फोनों में लगती थी वैसी बैटरी आपको इसमें मिलती है, अगर बैटरी खराब भी हो जाती है तो आसानी से आपको मिल जाएगी ऑफलाइन मार्केट में। फोन को ऑन करते ही आपको जियो भारत का लोगो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी भारत की ब्रांडिंग की गई है, और ये फोन हमारा ऑन हो गया है। टाइम के फोन बहुत छोटे आते हैं, तो चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हाइट से इसे गिरा के देखते हैं टूटता है कि मजबूत है या नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर फोन को हमने गिरा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ है। अगेन ट्राई करते हैं एक बार, इतने ऊपर से करते हैं अभी, और ये अभी नोकिया की तरह बैटरी अलग, कवर अलग और फोन अलग हो गया है, लेकिन फोन को कुछ भी नहीं हुआ। तो मजबूत बॉडी आपको मिल जाती है, ये इसका कवर देखिए, ये भी काफी मजबूत प्लास्टिक का है, यहाँ पर हम कहीं से भी नहीं बोल सकते कि एक घटिया के क्वालिटी का प्लास्टिक इस पर यूज किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने टेस्ट कर लिया है, एक मजबूत क्वालिटी का प्लास्टिक आपको फोन पर मिल जाता है। सबसे पहले तो इसकी पावर को हम ऑन करके देखते हैं, यहाँ पर हमने ड्रॉप टेस्ट किया है और ये ऑन होता है कि नहीं होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑन हो रहा है, स्पीकर भी इसके वर्क कर रहे हैं, डिस्प्ले भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर नाम का ब्राउजर है ये ओपरा मिनी, और इसके अंदर ना ही यूट्यूब ना ही फेसबुक कुछ भी ढंग से नहीं चलता। बाकी आपको यहाँ पर सावन मिल जाता है और ये जियो सिनेमा है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, बैटरी को अलग कर देते हैं, और ये हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स जिससे आप मल्टीवर्स का यात्रा कर सकते हो। तो इस टूल किट के अंदर सारे के सारे बिट मौजूद हैं इसे खोलने के लिए, तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसे ओपन करना शुरू करते हैं। इसके जो पैच हैं इन्हें हम सारे रिमूव कर लेते हैं सबसे पहले फ़ोन से, ताकि हमारा जो फ़ोन है वो आसानी से खुल जाए। तो यहाँ पर कुल मिला के 6 पैच लगे हुए हैं इस पर, तो इनको हम फटाफट से निकालना शुरू करते हैं। और अब हमारा ये जो फोन है पूरा पैच मुक्त हो गया है, अब हम इसे आसानी से ओपन कर सकते हैं। ओहो ओपन हो गया है दोस्तों, ये इसका बाहर के साइड का पोर्शन है और ये अंदर का पोर्शन, देखिए कितना छोटी डिस्प्ले आपको इस पर दी गई है, बाकी LED टॉर्च बड़ा साइज का दिया गया है। अभी इसे और ढंग से ओपन कर लेते हैं, और ये देखिए दोस्तों ये अलग हो रहा है इससे, इसका जो मदरबोर्ड है बिल्कुल अलग हो रहा है, और ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर चिपका हुआ रह गया। इसको निकालने के बाद भी आपको दो पेज और नजर आएंगे यहाँ पर दोस्तों, ऊपर जो डिस्प्ले वाला पोर्शन है, इसके पीछे जो स्पीकर्स लगे हुए हैं और कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पैक किया गया है, तो आई थिंक अभी भी टाइट लग रहा है, देखते हैं यहाँ पर। ओहो तो अभी ये डिस्प्ले आउट हो गई है यहाँ से, और यहाँ वायरिंग की गई है, और एक यहाँ पर टेप लगाया गया है, और ये पीछे वाली बॉडी को भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। ओहो यहाँ पर है ये 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा अलग से दिया गया, देखिए दोस्तों ये कैमरा और स्पीकर काफी बड़े साइज का यहाँ पर फिट किया गया है। LED टॉर्च लाइट ये निकाल के यहाँ पर अलग कर देते हैं इसे,
और स्पीकर देखिए दोस्तों, अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कीपैड बहुत अच्छे से पैक किया गया है, यानी कि इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी और जिससे हमारा जो कीपैड है वो अच्छे से वर्क करता रहेगा लंबे टाइम तक। नीचे ये माइक है दोस्तों और ये 3.5 mm का ऑडियो जैक, यहाँ आप हेडफोन का जैक लगा सकते हैं और इधर ये चार्जिंग केबल लगेगी यहाँ पर। बाकी दोस्तों अब हम इस पर बैटरी फिट करके एक बार ऑन करके देख लेते हैं ऐसे में ऑन होता है या नहीं होता है। पावर ऑन की को काफी लंबे टाइम तक प्रेस रखना पड़ता है इस फोन में। और ये देखिए दोस्तों, कीपैड में भी लाइट आ गई और जियो फोन जो हमारा है ओपन हो गया है और 12 बज रही है इसमें। फ्रेंड्स ये था इस फोन के अंदर का इंटरफेस, जो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर सिम कार्ड लगाने के लिए, मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है। तो डिस्प्ले इसकी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी, कैमरा कुछ ऐसा, LED टॉर्च लाइट ऐसी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से तो एक बहुत बढ़िया 4G फोन है 999 रुपए के अंदर। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, क्योंकि जो अदर कंपनी के फोन होते हैं उनकी डिस्प्ले साइज भी यही रहती है और वो भी इसी प्राइस रेंज के अंदर आते हैं दोस्तों, और उन पर 4G नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, बस 2G नेटवर्क आप उन पर चला सकते हैं और जियो का सिम उन पर नहीं लगता है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके कुछ ना कुछ जरूर काम आएगी, जिससे आपको फोन को परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रोजाना लाते रहते हैं।